इस क्वेश्चन में हमें बड़ा सिंपल एक कंसेप्ट दिया हुआ है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि वीआर जो है, एक आदमी है जो रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, और उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की ओर आती हुई दिख रही है। तो अगर आदमी रुका हुआ है और रेन उसको नीचे आती हुई दिख रही है, तो रुके हुए आदमी के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होती है वही रेन की ओरिजिनल वेलोसिटी होती है। तो रेन की ओरिजिनल वेलोसिटी वी आर को आप लिख सकते हो -30 J कैप। आई एम अज्यूमिंग दैट ये जो है वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आदमी चलने लगा आगे, कितनी वेलोसिटी से? 40 I कैप एक्स में। तो आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि आपको वी आर एम निकालना है। वी आर एम होगा वी आर एम होगा वी आर माइनस वी एम, ठीक है। वी आर हो गया -30 J कैप माइनस वी एम 40 I कैप, ठीक है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना है तो बेटा वही सिंपल सी बात है, आप याद कर लो। मैं एक बार वापस डायग्राम बना रहा हूँ कि वी आर ऐसे होगा, है ना, और वी एम आदमी जो है वो आगे जा रहा है, तो मैं उसको पीछे ले लेता हूँ -VM, और वी आर एम ऐसे होगा। तो ये हो गया वी आर, ये हो गया -VM, और ये हो गया वी आर एम। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। वाई कॉम्पोनेंट कितना है? वी आर यानी 30, एक्स कॉम्पोनेंट यानी वी एम। तो थीटा आ गया 37 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इतने एंगल पे उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंटिंग अम्ब्रेला पकड़ना है, जिससे वो बारिश से बचा सके खुद को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक आदमी 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और उसको रेन 45 डिग्री के एंगल पे आती हुई दिख रही है वर्टिकल के साथ। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ये रेन 45 डिग्री के एंगल पे सामने से आ रही है कि पीछे से आ रही है, ठीक है। और अब इसने अपनी स्पीड बढ़ा के 20 मीटर्स पर सेकंड कर ली, तो भी रेन इसे 45 डिग्री के एंगल पे आती हुई दिख रही है वर्टिकल के साथ, ठीक है। अब बेटा दो बातें यहाँ पे, सबसे पहले ये तो पक्का है कि पहले केस में जो रेन का वेलोसिटी वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये या तो पीछे है या आगे है, और दूसरे केस में या आगे है या तो पीछे है, यानी दोनों केस में रेन का वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल के एक साइड पे तो हो नहीं सकता है ना। एक बार पीछे होगा तो अगली बार आगे होगा, पहली बार आगे होगा तो अगली बार पीछे होगा। अब ये हमें डिसाइड करना है कि पहली बार आगे है कि पीछे है, यानी पहली बार रेन पीछे से आ रही है कि आगे से आ रही है। तो ये लॉजिकल है बेटा, हम जानते हैं कि जो रेन का वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो आदमी की स्पीड के साथ साथ उस स्पीड की तरफ झुकता है। यानी अगर रेन अभी मान लो नीचे आ रही है आदमी के रिस्पेक्ट में, तो आदमी जब स्पीड बढ़ा लेगा ना, तो अब रेन जो है वो वेक्टर सामने की ओर स्पीड की ओर झुकने लग जाएगा। ये स्पीड और बढ़ा लेगा तो ये वेक्टर और झुकेगा, ये और बढ़ा लेगा तो और झुकेगा, ये इस तरीके से वेक्टर झुकता जाता है, ठीक है बच्चों। ये हम कंसेप्ट जानते हैं,
कि वेक्टर इस तरीके से झुकता है। तो ये इस तरीके से यहां पे झुक रहा है इस तरफ, है ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, एक कांस्टेंट स्पीड पे वेक्टर नहीं झुकेगा, एक कांस्टेंट स्पीड पे वेक्टर भी कांस्टेंट रहेगा। सही है बात। तो ये हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर ये बात हम ध्यान में रखें और इसको सोचें कि अगर रेन शुरू में आगे से आ रही है 45 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल के साथ, और इसने स्पीड आगे की और बढ़ा ली, 20 कर ली, तो ये वेक्टर और झुक जाएगा आगे की ओर। दिख रहा है आपको? तो क्या ये अगली बार सेकंड केस में 45 डिग्री के एंगल पे हो सकता है? नहीं। इनफैक्ट अगर पहली बार आगे से रेन आ रही है और 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है, तो अगली बार जो रेन का वेलोसिटी वेक्टर है वो वर्टिकल के साथ 45 से ज्यादा एंगल बना रहा होगा। तो इस हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि आगे से आ रही हो पहले केस में। तो इसका मतलब रेन पहले केस में पीछे से आ रही है, और पीछे से आ रही है ये इसलिए सही है क्योंकि आप देखो कि ये वर्टिकल लाइन है, लेट सपोज, है ना, और ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। अब जो रेन है, जब ये स्पीड बढ़ा लेगा तो रेन जो है आगे से आएगी, ठीक है। और अभी भी रेन जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे हो सकती है इंक्लाइंड। तो यही केस सही है एकदम, कि पहले पीछे से आ रही थी 45 डिग्री के एंगल पे, बाद में आगे से आ रही है। तो बेटा ये अब एक तो ये बात हो गई कि ये डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट केस में रेन पीछे से आ रही थी और सेकंड केस में आगे से। पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये रेन का ट्रू वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, ये रेन का VRM है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ऑब्जर्वर यानी मैन चल रहा है। और अगर चल फर्स्ट केस में आप गौर करो कि चलते हुए आदमी के लिए रेन पीछे से 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है, तो ओरिजिनली रेन का जो है वो बड़े एंगल पे आ रही होगी 45 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऐसे आ रही होगी रेन ओरिजिनली VR, है ना। ये एंगल हो जाएगा लेट सपोज थीटा। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वी अगेन नो दैट एज सून एज मैन विल मूव द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन विल मूव टूवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ मैन। यानी अगर मैन चलेगा आगे चलेगा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है वो आदमी की वेलोसिटी की तरफ झुकता जाएगा। तो अगर फर्स्ट केस में चलते हुए आदमी को 45 डिग्री पे आती हुई दिख रही है रेन, तो जब वो रुका होगा तो ओरिजिनली रेन 45 से ज़्यादा एंगल पे आ रही होगी पीछे से, तभी तो उसकी ओर झुक रही है आगे की ओर, आगे चल रहा है तो आगे झुकेगा। समझ गए आप? सिंपल सी बात है। तो इस केस में आप मान लो कि लेट VR इज इक्वल टू VX I कैप, है ना, माइनस VY J कैप। आप देख सकते हो कि VR जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो X पॉजिटिव और Y नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट केस में VRM क्या होगा? पहले केस में, तो पहले केस में VRM होगा VR माइनस VM, है ना। तो VR माइनस VM, VR कितना है? VR है VX I कैप माइनस VY J कैप माइनस VM, VM कितना है? 10 I कैप। तो VRM क्या है? VRM है VX माइनस 10 I कैप वाले एक साथ और J कैप वाले एक साथ, मतलब वो तो एक ही है। तो बेटा अब तुम ये देखो कि ये वेक्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो VRM है हमारा,
ये डायग्राम के हिसाब से किस क्वाड्रेंट की ओर प्लॉट पॉइंट कर रहा है, फोर्थ की ओर, और इस इक्वेशन के हिसाब से भी फोर्थ की ओर पॉइंट करना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये तो माइनस है ही, तो ये फोर्थ की ओर ही पॉइंट कर रहा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, समझ गए आप। अगर ये आपने वेरीफाई कर लिया कि डायग्राम और जो वेक्टर है जो लिखा है आपने वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टेन थीटा लिखना है। जो टेन थीटा है, थीटा जो एंगल है वो 45 डिग्री है वीआरएम का, तो टेन 45 विल बी इक्वल टू वाई एक्स कॉम्पोनेंट अपन वाई कॉम्पोनेंट, या वाई अपन एक्स, कोई सा भी लिख सकते हो। तो y लिख देता हूं और x है वी एक्स माइनस टेन। बेटा ये तो आपको पता ही होगा कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हो तो माइनस नहीं लोगे, और टेन 45 वन होता है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड केस में वी आर एम क्या आएगा, वी आर एम आएगा सेकंड केस में वही वी आर माइनस वी एम, अब हो जाएगा वी आर एम वी एक्स माइनस 20, अब वी एम 20 है आई कैप, और माइनस वी वाई जे कैप। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, अब आप देख लो कि डायग्राम के हिसाब से वी आर एम किस तरफ पॉइंट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, दिख रहा है आपको, ये देखो, और इस इक्वेशन के हिसाब से फिर से फोर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से चेंज करो कि ये थर्ड की तरफ पॉइंट करे। तो हमने क्या करा, एक माइनस को कॉमन निकाला, 20 माइनस वी एक्स ऐसे लिख दिया, माइनस वी वाई जे कैप। अब ये इक्वेशन, अब जो ये वेक्टर है वी आर एम, ये इक्वेशन के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट की ओर पॉइंट कर रहा है, और इसीलिए टेन थीटा अब लिखना सही है। पहले टेन थीटा लिखना गलत था, अब टेन थीटा लिखेंगे y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट, यानी वी वाई अपॉन 20 माइनस वी एक्स। अब अगर अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लें, तो वी वाई अगर कंपेयर कर लोगे तो वी वाई कैंसिल हो जाएगा, वी एक्स माइनस टेन विल बी इक्वल टू 20 माइनस वी एक्स, और जो 2 वी एक्स है वो आ जाएगा 30, वी एक्स आ जाएगा 15, क्लियर है, वी एक्स 15 आ गया। और वी वाई जो आ जाएगा, अगर आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में वी एक्स को रख दोगे तो वी वाई आपको दिख रहा है कि वी वाई आ जाएगा 5, है ना। तो वी एक्स कितना आ गया बेटा, मैं फाइनल आंसर को यहां लिख रहा हूं अलग कलर से, ऊपर वी एक्स आ गया, वी आर आ गया, फाइनली वी एक्स आई कैप यानी 15 आई कैप माइनस 5 जे कैप, दिस इज द फाइनल आंसर। आगे समझ, इजी था कंसेप्ट क्या है यहां पे, कि वही हमने ध्यान में रखा कि जब ये डिसाइड करना था कि शुरू में रेन पीछे से आ रही है कि शुरू में आगे से आ रही है 45 डिग्री के एंगल पे, तो हमने सोचा कि पहले पीछे से आ रही होगी और आदमी आगे चलना चालू करेगा तो वेलोसिटी वेक्टर उसकी तरफ झुकेगा, तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि आगे से दूसरी बार वापस 45 डिग्री का एंगल बने। पर अगर पहले से ही आगे से आ रही होती 45 डिग्री के एंगल पे और आदमी आगे ही जा रहा है, जब वो और झुकेगा वेक्टर तो 45 से ज्यादा एंगल बनाएगा, तो अगेन 45 विल नॉट बी पॉसिबल। ये लॉजिक था बेटा इसमें। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये आदमी जब 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो रेन उसको वर्टिकली नीचे की ओर आती हुई दिख रही है, और जब इस आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा के 4 मीटर्स पर सेकंड कर ली तो रेन जो है उसको वर्टिकल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे आती हुई दिख रही है। ये कॉमन सेंस की बात है कि ये जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा
ये आगे से बन रहा होगा कि पीछे से बन रहा होगा? ऑब्वियसली आगे से बन रहा होगा, क्योंकि जैसे ही आदमी अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो रेन का वेलोसिटी वेक्टर स्पीड की डायरेक्शन में आगे की ओर झुकेगा, ठीक है? तो ये, पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस आदमी को रेन वर्टिकली नीचे आती हुई दिख रही है, ठीक है, जब ये चल रहा है तब। तो जब ये खड़ा होगा, जब ये रुका होगा, तो इसको रेन पीछे से आती हुई दिख रही होगी ऑब्वियसली। चलते हुए आदमी के लिए जब रेन आगे झुकी है और वर्टिकल हो गई है, तो रुके हुए के लिए तो पीछे से आ रही होगी। तो जो वी आर होगा, ओरिजिनल वेलोसिटी रेन की, वो ये होगी वी आर, ठीक है बात? तो हमको वही वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि पीछे से रेन आ रही होगी रियल वेलोसिटी रेन की, यानी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ये किस क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है? वी आर, ये कर रहा है फोर्थ की, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट। तो वी आर को आप अज्यूम कर लो क्या, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सही है? तो यहां पे आप सबसे पहले वी आर एम निकालो। मैं इसको बेटा एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा आपको, पर अभी सबसे पहले अपन कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। तो वी आर एम क्या हुआ, वी आर माइनस वी एम, यानी वी एक्स माइनस टू आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, करके देख लेना आप, ठीक है? और जब इसने अपना इंक्लिनेशन बढ़ा दिया, तो अब यहां एक बात और गौर करने की है कि फर्स्ट केस में वी आर एम जो है वो y में है, दिख रहा है आपको सिर्फ, और इसका मतलब ये हुआ कि x कंपोनेंट ऑफ वी आर एम, वी आर एम का x कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि वी आर एम y में, विच मीन्स कि वी एक्स माइनस टू इज जीरो, विच ऑल्सो मीन्स कि वी एक्स इज इक्वल टू टू, ये आ गया वी एक्स टू आ गया। अब आगे की बात है, अब आते हैं अपन आगे। सेकंड केस में वी आर एम अगर निकालें, तो सेकंड केस में वी आर एम होगा वी एक्स माइनस फोर आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, और ये वेक्टर शुड, दिस वेक्टर शुड पॉइंट टुवर्ड्स थर्ड क्वाड्रेंट। डायग्राम में आप देखो सेकंड के कि थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ प्लॉट कर पॉइंट कर रहा है, तो आप इक्वेशन भी इस तरीके से ही बनाओ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट करे, यानी एक माइनस कॉमन लो और ये कर दो फोर माइनस वी एक्स माइनस वी वाई जे कैप, ठीक है? तो यहां से आप मुझे tan 45 अब बताओ, तो tan 45 होगा मैग्नीट्यूड ऑफ x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ y, या मैग्नीट्यूड ऑफ y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x, क्योंकि एक ही बात है। तो अपन लिखते हैं वी वाई अपॉन फोर माइनस वी एक्स, दिस इज वन tan 45 एंड वी एक्स इज ऑलरेडी टू, सो वी वाई अपॉन फोर माइनस टू इज इक्वल टू वन, hence vy is also equal to 2, which means कि जो vr हो गया, vr हो गया 2 i cap और minus 2 j cap, ठीक है बच्चों? अब short trick क्या है? short trick ये है यहाँ पे कि first case के लिए है short trick कि बेटा अगर जो चलते हुए आदमी के लिए रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है नीचे वाई में, तो इसका मतलब इस चलते हुए आदमी के लिए इसके रिस्पेक्ट में रेन का एक्स में कोई मोशन नहीं हो रहा है, है ना? और अगर चलते हुए आदमी के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इसका मतलब वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस चलते हुए आदमी की डायरेक्शन में उसी की स्पीड से चल रहा है। सिंपल सी बात है।
ठीक है, विच मीन्स कि अगर रेन उस चलते हुए आदमी के लिए रेन एक्स में नहीं चल रही है, तो इसका मतलब आदमी की एक्स की वेलोसिटी और रेन की एक्स की वेलोसिटी बराबर है। तो आदमी की एक्स की 2 थी तो रेन की भी 2 होगी, जो हमने निकाला था। अब सेकंड पार्ट भी आप निकाल सकते हो आराम से। तो बेटा अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेटा ये दिया हुआ है कि एक स्टैंडिंग ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन 2 मीटर्स पर सेकंड है फॉलिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, यानी वो तो ओरिजिनल वेलोसिटी होगी रेन की वी आर, क्योंकि स्टैंडिंग ऑब्जर्वर के लिए जो वेलोसिटी होती है वही ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ रेन होती है। तो वी आर हो गया लिख सकते हो आप डायरेक्ट माइनस 2 जे कैप। माइनस क्यों, नीचे की ओर आ रही है जे कैप वाई में। अब जो आदमी है अभी इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, तो अब ये आदमी एक्सेलरेट होना चालू हो गया। ए ऑफ मैन इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी किसी भी टाइम टी पे, एट टाइम टी, इसकी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी इज इक्वल टू यू 0 है और ए 2 है और टी टी है Vm। और आपको पता है कि जो tan थीटा है, लेट सपोज थीटा इज द एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा है वो अम्ब्रेला का एंगल है। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा होगा वी आर बाय वी एम। ये हम पहले भी देख चुके हैं, बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो वी आर का मैग्नीट्यूड 2 है और वी एम जो है वो 2 टी है, तो ये आ गया 1 बाय टी टेन थीटा, ठीक है। वी आर 2 है, वी एम 2 टी है, तो tan थीटा आ गया 1 बाय टी। अब क्योंकि t वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करो। तो tan को डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएटिंग, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। अब डी थीटा बाय डी टी, रेट एट विच थीटा इज चेंजिंग, तो बेटा थीटा कम होता जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कम होता जा रहा है, तो ये माइनस ओमेगा होगा। कम क्यों, अम्ब्रेला को आगे की ओर झुकाना होगा, सही है। तो अच्छा, एक तो ये बात है, दूसरी बात की यहाँ ये रख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 में कि sec स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 1 बाय टी स्क्वायर। ओमेगा हमको निकाल लें। अब एट टी बराबर 5 सेकेंड्स, t बराबर 5 सेकेंड्स पे tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा है 1 बाय 5, ठीक है। तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sec होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, हाइपोटेन्यूस अगर बेस 5 है परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूस होगा रूट 26, सही है। तो रूट 26 बाय बेस, बेस 5 है। तो इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो
तो sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 26/25 ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, और 1/t स्क्वायर, टी फाइव है तो 1/t स्क्वायर 25 हो गया, तो ओमेगा आ गया 1/26 रेडियंस पर सेकंड। इस रेट से उसको अम्ब्रेला घुमाना है सो दैट कि वो रेन से खुद को बचा सके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि एक आदमी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा है, और उस चलते हुए आदमी को रेन सामने से 2V0 से आती हुई अपीयर हो रही है। समझ गए, चलते हुए आदमी को रेन सामने से 2V0 से आती हुई अपीयर हो रही है और वो खुद नीचे जा रहा है V0 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो तो बात की बात है, क्वेश्चन ये है कि जब वो आदमी अपनी स्पीड बढ़ा के 2V0 कर लेगा तब रेन की स्पीड क्या दिखेगी उसको। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर आदमी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखो Vm। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं अपन Vm वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी V0 cos 37 i कैप। अच्छा, मैं इसको x एक्सिस मान रहा हूँ, इसको y एक्सिस मान रहा हूँ। ठीक है, माइनस V0 sin 37 j कैप। अब बेटा ये आप दिमाग लगाओ कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, Vm या इतना आना चाहिए आपको, Vm इज इक्वल टू V0 into 4/5 i कैप माइनस V0 into 3/5 j कैप। सही है, और जो Vr है, Vr तो Vr जो है वो ऐसा मान लो कुछ, क्योंकि जब ये चलना चालू करेगा तो रेन की वेलोसिटी इसकी तरफ झुकनी चाहिए। तो रेन अगर पहले इस यहाँ से आ रही थी तो अभी जब चलेगा तो अब यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। तो लेट सपोज कि Vr जो है, मान लो Vr थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ प्लॉट पॉइंट कर रहा है, आप देख सकते हो, तो माइनस Vx i कैप माइनस Vy j कैप ये हमने माना है। तो Vr इज इक्वल टू माइनस Vx i कैप और माइनस Vy j कैप। तो Vrm आएगा Vr माइनस Vm, तो Vr माइनस Vm आएगा माइनस कॉमन Vx प्लस 4/5 V0 i कैप और प्लस 3/5 V0 - Vy j कैप। अब बेटा आप Vrm को गौर से देखो कि Vrm सिर्फ x में हॉरिजॉन्टल है, विच मीन्स कि y कॉम्पोनेंट ऑफ Vrm इज जीरो और x कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड 2V0 है। सही है ना, तो इससे हमें पता चल गया कि Vy विल बी इक्वल टू 3/5 V0 और Vx प्लस 4/5 V0 इज इक्वल टू 2V0, तो Vx इज इक्वल टू 6/5 V0। तो Vr आ गया हमारा माइनस 6/5 V0 माइनस 3/5 V0 j कैप। अब नया Vrm क्या आया, नया Vrm आएगा, देखो नया Vm क्या है, नया Vm में 2V0 से चल रहा है तो ट्वाइस कर दो, तो मैं लिख देता हूँ Vm न्यू, Vm नया है ना, न्यू
तो ट्वाइस कर रहा हूँ सीधा, तो ये हो जाएगा 8/5 वी नॉट आई कैप -6/5 वी नॉट जे कैप। अब VRM निकाल लो नया न्यू, तो वो VR-VM, तो VR-VM आएगा -14/5 वी नॉट आई कैप +3/5 वी नॉट जे कैप। और बेटा ये कंक्लूजन एकदम करेक्ट आया है, इस अभी मैं बताता हूँ कैसे, पर पहले VRM का मैग्नीट्यूड निकाल लो जो पूछा है। तो वो मैग्नीट्यूड हो गया √14 का स्क्वायर, मतलब √14 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका √205/25, दैट इज √41/5। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि कंक्लूजन एकदम सही कैसे आया ये वाला, कि ये वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है। अब देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये पॉइंट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। तो आप गौर करो कि जब ऑलरेडी VRM x में पीछे आ रहा है, माइनस x की तरफ है, और ये अब और तेज जाने लग गया नीचे, तो ये वेक्टर और झुकेगा नीचे की तरफ। तो जब ये वेक्टर नीचे की तरफ और झुकेगा तो अभी ये किस तरफ पॉइंट करेगा, देखो अभी ये इस तरफ है, अभी नीचे झुकेगा तो ये अब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये थे बेटा अच्छे अच्छे इस पे न्यूमेरिकल। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।